वायु भार के घटने से हवामान में भारी बदलाव के कारण केरला में बारिश बहुत जोर शोर से हो रही है। बिजली और संपूर्ण यातायात ठप होने की वजह से कई क्षेत्रों में लोगों से संपर्क करना मुश्किल हो रहा है। पंपा नदी में बाढ़ आ जाने की वजह से तीर्थ यात्रा पर गए हुए कई यात्रीगण इस बाढ़ का शिकार हुए हैं और कई लोगों की जान अभी भी खतरे में है, ऐसा सुनने में आ रहा है। इस बाढ़ से प्रभावित लोगों को बचाने के लिए हमारी हाँ देव, मेरे पेरेंट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली क्या? न्यूज देखकर बहुत घबराहट हो रही है, कुछ भी करके पता कर यार, प्लीज देव। श्रवण, तेरी परेशानी मैं समझ सकता हूँ। मैं भी उनका पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर बिना कम्युनिकेशन के पता लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, तो टेंशन मत ले, बी काम। प्लीज देव। श्रवण, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, तुम ही तो कहा करते थे ना, अब तुम ही हिम्मत हारोगे तो कैसे चलेगा? डोंट वरी, मम्मी पापा बिल्कुल सेफ होंगे। नहीं रेखा, मेरे मना करने के बावजूद वो दोनों जिद करके तीर्थ यात्रा पर चले गए। I don't know what to do. मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता, मुझे इंडिया जाना ही होगा। हमने तेरे माँ बाप को हर तरफ ढूंढा पर हमें उनका कोई पता नहीं लगा। तीर्थ यात्रा पर गए हुए कई सारे लोगों की मौत हुई है, यहाँ बहुत सारी बॉडीज हैं। तुम इनमें से पहचान लो, खोलो। श्रवण, श्रवण, इस घर को देखकर मॉम डैड की याद आती है। वो जहां नहीं है वहां एक पल भी रुकने की इच्छा नहीं हो रही, उनकी कमी खल रही है। अब मैं यहां नहीं रह सकता, विधि विधान पूरा करके मैं हमेशा के लिए दुबई चला जाऊंगा। तो इस घर का क्या करेगा? मैंने सोचा था मैं इंडिया लौटकर अपनी पूरी जिंदगी में अपने मॉम डैड के साथ बिताऊंगा, लेकिन वो कहते हैं ना, किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। इस घर की यादों को तो कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन ये घर तो खरीदेगा। तो क्या मतलब, तू ये घर बेच देगा? इस घर से जो पैसे मिलेंगे उससे मैं अपने माँ बाप के नाम से एक ट्रस्ट शुरू करना चाहता हूँ। अगर उन पैसों से बूढ़े जरूरतमंद लोगों की मदद होती है तो मेरे माँ बाप की आत्मा को शांति मिलेगी। तेरे अलावा मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। इस घर को बिकवाने में प्लीज मेरी मदद कर देना यार, पैसे थोड़े कम मिलेंगे तो चलेगा, बस वो लोग अच्छे होने चाहिए। वो इस घर को मंदिर की तरह रखेंगे तो मुझे खुशी होगी। चिंटू, आज तेरा बर्थडे है ना, तो आज तू केक काटना और हम सब क्लैप करेंगे। ओके फ्रेंड्स, 1, 2, 3। हाँ?
दीदी। माँ को गए कितने दिन हो गए ना, पता नहीं माँ कैसी होंगी, आप फोन करके पूछे ना। हाँ बाबूजी, तू उसकी चिंता मत कर, अपने बेटे के साथ वो खुश ही होगी। पापा, आपको भैया से गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए थी, आज घर के मामले में हम बस थोड़े से इमोशनल हो गए। नहीं, मैंने बिल्कुल सही फैसला लिया है। आप सब लोग प्लीज इस वक्त शांत हो जाइए, ये मेरी आपसे विनती है। मेरे पास आपके लिए एक विशेष सूचना है, और वो सूचना ये है कि मेरे पास सुपर पावर्स हैं। मैं जब क्लैप करती हूँ तो दरवाजा फटाक से खुल जाता है। आई एम ग्रेट ना? हाँ हाँ। तो आप लोग देखना चाहेंगे मेरी सुपर पावर? दिखाओ। दरवाजा तो नहीं खुला, पावर चली गई क्या? हंस मत भालू, उधर देख। वन टू थ्री। दक्षिता, कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करना। तुम्हें केक मिला ना चिंटू की बर्थडे का, तो जाओ मनाओ। नया खिलौना कौन लाया होगा? ये खिलौना मेरा है, ये खिलौना मेरा है। दक्षिता, क्यों चिल्ला रही हो तुम? दीदी, एक लड़का अंदर आया और खिलौना मेरा है बोल के लेके चला गया। एक लड़का आया? कौन था वो? पता नहीं कौन था, मोटू सा था। ये सब टीवी का असर है, मैंने मना किया था ना इतने कार्टून मत देखा करो, तभी ऐसा हुआ। सुपर पावर की बात करती हो या बोलती हो लड़का आया खिलौना लेके चला गया, बस पूरे दिन यही सारी फालतू बातें सोचती हो। अब जाओ दादाजी के साथ खेलो। शशि भैया, टिक टिक टाई, टिक टिक टाई, टिक टिक टाई, टिक तू लगा मेलू जबली पीस्ती। शशि भैया, क्या हुआ? इस घर में हमारे अलावा भी कोई है क्या? कोई और भी रहता है? हाँ। तुम बिल्कुल डरो मत, कहाँ देखा? वहाँ। चलो देखते हैं कोई यहाँ कैसे आ सकता है। भैया, जब मैं आईने में देख रही थी तब मेरे पीछे यहाँ यहाँ पर कोई था। यहाँ क्या? मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? क्या? हाँ, तुम लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मुझे बेवकूफ नहीं बना पाओगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे झुके हुए
बच के रहना दादाजी, मैं आपको पकड़ लूंगी। दादाजी आप कहाँ हैं? मैं आ रही हूँ, अब देखिए मैं आपको पकड़ लूंगी। आप कहाँ हैं? समझ नहीं आ रहा। मैं आ रही हूँ दादाजी, मैं आपको पकड़ लूंगी, देख लेना। दादाजी दादाजी, डरो मत बेटा। हाँ, मेरे पहचान के एक स्वामी जी हैं, वो यहाँ आएंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। दादाजी, चल अंदर। यहाँ भूत है ऐसा बोल रहा था ना, कहाँ है तेरा भूत? मेरे सर की पुराना घर है, इसलिए भूतों की अफवाह फैलाकर इसे सस्ते में दिलाना चाहता है। होशियारी दिखाई ना तो इसी घर में गाड़ दूंगा। सर, मैं अपनी कसम खा के कह रहा हूँ सर, इस घर में भूतों का बसेरा है। आइए साहब, अंदर आइए। देखिए ना, ये हॉल कितना बड़ा है ना साहब, आप लोग आइए दिखाता हूँ। फर्नीचर के साथ में बेच रहे ना? हाँ साहब। ये खिलौना मेरा है, ये खिलौना मेरा है। ये खिलौना मेरा है। पापा, मैंने उस रूम में भूत को देखा। पागल हो गया क्या? कुछ भी बोल रहा है। पैदा हुआ तब से मेरे को देखता आ रहा, तू तब तो नहीं डरा, आज कैसा डर लग रहा है तेरे को? देख रे बड़ा, भूत वूत कुछ भी नहीं होता है, बाहर जाके बिंदास खेल। मेरे से बड़ा भूत इस दुनिया में नहीं है बाबा। वाह, रूम तो काफी बड़ा है। इस अलमारी में अपना रोकड़ा रखूंगा, घर बनाने में खर्चा किए ला है। ये कमरा अपनी गर्लफ्रेंड को देगा मैं। क्या लग रहा हूं मैं एकदम लो बजट फिल्म के विलन जैसा? अबे साले भूतनी के, कैसा इंसान है रे तू, मेरे को भूत बंगला भेजता है तो? रुकिए साहब, मैं भी आ रहा हूं साहब। मेरे मरे हुए बाप की कसम साहब, इस घर में भूत है। ये कितना सच कह रहा है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इस काम में वाकई फायदा बहुत है। ये ले, ये पैसे रख। इस घर में सिर्फ एक भूत नहीं बल्कि कई सारे भूत हैं, ऐसी अफवाह पूरे शहर में फैला दे ताकि इस घर को खरीदना तो दूर, इस घर का नाम सुनते ही सबकी रूह कांपनी चाहिए। साहब, यहाँ बहुत सारा भूत है, ऐसा कहना है? जितना कहा है उतना कर, चल अब निकल। भूत भागो।
लेकिन सर, इस घर में भूत है ऐसी बात अगर लोगों में फैली तो कौन खरीदेगा ये घर? तेरा भाई शेखर अन्ना। शेखर अन्ना, मैंने आपको एक घर के बारे में बताया था ना, उस घर में भूत है ऐसी अफवाहें फैला दी है मैंने। अब उस डर के घर को कौन खरीदेगा? घर का भाव अपने आप नीचे आ जाएगा और फिर हम लोग उस घर को खरीद लेंगे। छोटा इन्वेस्टमेंट बड़ा प्रॉफिट, कैसा लगा आइडिया? हम मर चुके हैं क्या? मतलब हम सभी भूत हैं क्या? पर हम कब मरे और कैसे मरे कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ से मिलने का बहुत मन कर रहा है पापा। मरने के बाद रिश्ते नाते सब खत्म हो जाते हैं बेटा। नहीं पापा, हम मिट चुके हैं पर हमारे दिल में माँ के लिए जो प्यार है वो अभी नहीं मिटा। हम मौत को अंत कहते हैं फिर भी आत्मा के रूप में जिंदा रहते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है ना कि हम माँ से मिलने के लिए जिंदा हो। हम भूत हैं ये हकीकत उनको पता चल गई है, ऐसे में वो हमें यहाँ रहने देंगे क्या? तो अब हम यहाँ नहीं रह पाएंगे क्या दादाजी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मौत के साथ हमारा डर भी मर चुका है, अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी अब हमारे अंदर नहीं है और वो है डर। और ये डर ही हमारा हथियार है। बाप रे बाप, ये चाबी पकड़िए साहब, वो घर तुम्हें पता है भूतों से भरा है, मैं झमेला नहीं चाहता। ए, ये क्या बक रहे हो? ए, कमीशन कम मिलेगा सोचकर कहानी बना रहे हैं ना? मैं अपनी कसम खा के कहता हूँ वहाँ पर भूत है। ऐसा हो सकता है क्या? ये भूत भूत का क्या चक्कर है? मुझे ये फालतू ब्रोकर लग रहा है। मेरी पहचान का एक और आदमी है, उससे मिलते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी की डीलिंग में वो माहिर है। सुन बोल, उस टेबल पर जो स्टूडेंट्स बैठे हैं ना, जाकर उनका आईडी कार्ड मांग। अगर वो 21 के हो गए हैं तो ही दारू देना, नहीं तो कौन के नीचे 21 बार बजा के देना। क्या यार, वो पीने आया तो पीने देना, अगर वो 21 के नहीं पिए तो उससे हमें क्या भाई? हमारा ध्यान उसके आईडी कार्ड पे नहीं, उसके माल पे होना चाहिए। कान के नीचे उनके नहीं तेरे बजाना चाहिए, पैसों के लिए कुछ भी करेगा थू। सुन रघुपति, तेरे टेबल पर टिप रखा है, जाके ले ले। अच्छा लेता हूँ। आज तो ऊपर वाले के घर में अंधेरा छाने वाला है। क्यों, बिजली का बिल नहीं भरा? आज बार में टीचर जी आने वाले हैं। नमस्ते जी। डूब मरी, मतलब बैठी है वहाँ पे। अच्छा ठीक है, बैठता हूँ। नमस्ते जी, बैठ जाओ। यहाँ पर भी टीचर जी कितने तमीज से पेश आ रहे हैं, कितने संस्कारी आदमी है। 9 बजे के बाद देखना कैसे संस्कार का रायता फैलाएगा। टीचर जी, इस पाप की नगरी में कदम रखना आप जैसे महापुरुष को शोभा नहीं देता। शोभा होटल गई है। ये होटल नहीं है, ये बार है, बार। टीचर जी, हम होटल खोलने के लिए भी मुहूर्त निकालोगे क्या? नहीं नहीं। क्या हुआ, पहली बार पी रहे हो? नहीं, मैं हूँ ना दारू के मामले में पेबड़ों का भी बापू। मेरा नाम फुलखंबा खल्लास है। क्या नाम बताया? फुलखंबा खल्लास। पीने का एक तरीका है, पहले बोतल को ऐसे उठाते, उसके बाद नीचे से ऐसे हाथ मारते हैं, उसके बाद ढक्कन को भी ऐसे खोलने का ऐसे, उसके बाद खाली गिलास में ऐसे ऐसे 60 ml का पैक। खंबा हुआ टना टन, मैं हूँ पिदक्कर नंबर 1। तेरा नाम क्या है? फुल खंबा खलास।
नल्ला नाम है। ए, तू पीने में बच्चा है बच्चा। क्या है? बच्चा है बच्चा। अबे तू दूध पी रहा है क्या? कभी 30-60 कभी 90 की ड्रिंक बना रहा है। पूरा दिल लगाएगा क्या पीने में? और खुद को फुल खंबा खलास के दे। ए, आवाज नीचे, मुंडी नीचे, नीचे। है? बच्चे कभी ऐसा कुछ नहीं पीते। शरारती बच्चा, सोशल रिस्पेक्ट, सीनियर ड्रिंकर, समझा? रिस्पेक्ट पुराने पापी। ये बड़ा क्या लिख रहा है? तेरे को दिख नहीं रहा है क्या लिख रहा है? मैच देख के लिख रहा है, जरूर ये बुकी होगा। ए, देख ये बॉल सिक्सर के लिए जाएगा। सिक्सर, देख रहा टीवी देख, सिक्सर। देखना लगाएगा ये 6/6, ये मैच है पूरी तरह फिक्स। मेरे 2 लाख 1 का डबल, इस बॉल पर भी 6 लगेगा। बैट लगा ले, डड़ियल लगा ले। क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या? अबे लुट जाएगा तू। ए जा रे, तू अपना काम कर। इसे कहते भुक्की, नो फोकल नो भुक्की। अब जा भुक्की, अपना काम कर, जा। यस, कम ऑन कम ऑन। कर लिया ना अपना पोपट। अबे रिप्ले मैच पर कोई शर्त लगाता है क्या? इतनी बड़ी शेंडी है फिर भी तुझे शेंडी लगा दिया। क्या रिप्ले मैच? अबे रिप्ले मैच दिखा के मेरे को टोपी पहनाता है। ला मेरी टोपी, दे 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 दे, अपना काम देख। भाई वो मेरा एक दोस्त है राघव, उसने बिना जाने रिप्ले मैच पर शर्त लगा ली और गिरी ने उसका सारा पैसा लूट लिया। आप पैसा वापस करने को बोलिए ना, उसे अपने बच्चे के हार्ट का ऑपरेशन करवाना है, उसकी जान चली जाएगी। बता तेरा काम क्या है? चखना और मदिरा बांटना। तो जा वही कर। करता हूँ, पर एक बार प्लीज मेरे दोस्त की मदद। जा। ठीक है भाई। एक करोड़ कला कर ले जाना। ये क्या शेखर अन्ना, इतनी कीमती प्रॉपर्टी का आप सिर्फ 1 करोड़ दे रहे हैं? भूतिया घर का 1 करोड़ भी ज़्यादा है क्या अन्ना? इंसान मंगल ग्रह तक पहुंच गया और आप अभी तक भूत प्रेतों में अटके हुए हैं। दिस इज रिडिक्युलस। कहते हैं ऊपर वाले से डरना चाहिए, पर आजकल तो लोग नीचे वालों से ज्यादा डरते हैं। मैं घाटे का सौदा नहीं करता। शेखर अन्ना, 1 करोड़ कहां और 5 करोड़ कहां? तुम अपने आदमी हो यार, तभी तो हम तुम्हारे पास आए हैं। माँ की कसम, मैं आपका मुंह देखकर 1 करोड़ कह रहा हूं। अगर भूत का मुंह देखता। तो 1 रुपया भी नहीं देता, 1 करोड़ ही दूंगा। अगर बेचना है तो बेचो। श्रवण, तू भी अर्जेंट दुबई जाने की बात कर रहा है और ये 1 करोड़ ही पकड़ के बैठा है। उस घर में भूत है इस अफवाह की वजह से, इसके अलावा शायद ही कोई वो घर खरीदेगा मुझे लगता है। यार मेरे लिए पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, वजह इंपॉर्टेंट है। एक काम करो, उसे पूछो और बेस्ट क्या दे सकता है। मैं कोशिश करके देखता हूँ। सर नमस्ते। सर नमस्ते, मेरा नाम रघु है। आपसे 2 मिनट वार्तालाप कर सकता हूँ? बोलो। आप अपना घर इतनी कम मुद्राओं में क्यों बेच रहे हैं? आपको तो बहुत अच्छी कीमत मिल सकती है उसकी। नहीं मिल सकती, उस घर में भूत का साया, ऐसा पूरा गांव कहता है। ऐसे में वो घर कौन खरीदेगा? अगर प्रूफ करके साबित कर दिया कि वहां भूत नहीं है तो? कैसे प्रूफ होगा? आपकी अनुमति हो तो एक योजना है मेरे पास, बताऊं क्या? बताओ। सर आप मुफ्त में अपना घर किराए पर दे दीजिए, अगर किराएदार नहीं भी मिला तो किसी को पैसे देकर वहां रहने के लिए कहिए। अगर 2 दिन भी वहां पर आराम से रह लिया तो साबित हो जाएगा कि वहां पर भूत नहीं है, फिर अपनी मर्जी की कीमत पर घर बेच दीजिएगा। मान लो अगर मैं ऐसा करता भी हूँ तो उस घर में रहने की हिम्मत कौन करेगा? सर आप कहें तो मेरे पास ऐसे 2 लोग हैं, वैसे भी धरती में बोझ हैं और कोई काम नहीं है उनको। ऐसे बेकार के कामों के लिए वो फुकरे एकदम परफेक्ट है। उनके साथ एक टीवी एंकर को भी भेज देंगे, पूरे गांव में फैला देंगे कि उस घर में कोई भूत भूत नहीं है। फिर आप जिस कीमत पे चाहो उस कीमत पे घर को बेच देना। पर सर क्या है कि इस काम के लिए थोड़ा खर्चा पानी लगेगा। अच्छा, खर्च की तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मुझे आइडिया अच्छा लगा। देखो अगर अच्छे दामों में ये घर बिका ना तो तुम्हारा कमीशन पक्का। थैंक यू बात सर, मैं तुरंत उन्हें वहां भेजता हूँ। ठीक है।
रघुपति ने सही कहा था, ये तो सच में भूत बंगला ही लग रहा है। इतने बड़े बंगले में सिर्फ हम दोनों कैसे रहेंगे? मैं भी रहूंगा। कौन है रे तू? डेविल टीवी से भूतों की न्यूज देने वाला काले, वन एंड ओनली बंटी काले। इस घर में भूतों का बसेरा है या नहीं, स्पेशल भूतिया टॉपिक पर मैं एपिसोड बनाऊंगा। आ गया है यहाँ घोस्ट हंटर, आत्माएं हो जाएंगी छू मंतर, होंगी ढेर सारी फालतू बातें, बस आप वेले लोग मेरा साथ दें। देखते रहिए सोमवार से शुक्रवार लगातार विथ मी बेरोजगार पत्रकार। डर का घर। रघुपति ने कहा था किसी और को भी भेजने वाला है, लगता है यही वो पागल है। तूने हम दोनों की फोटो क्यों खींची? इस घर में अगर कोई भूत नहीं दिखा तो तुम दोनों की फोटो अपलोड कर दूंगा। झलक दिखला जा, भूत तो आ जा, 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 जा। वाओ, लड़की के हाथ में लकड़ी। खचाक। वाओ, सो नाइस, बाय जानू। तेरी आंखें भूल भुलैया, बातें हैं भूल भुलैया। मम्मी भूत, ये तो मैं ही हूँ। कुछ भी नहीं है। ओ, झूलने वाली कुर्सी, क्या बात है। कुर्सी पे कोई बैठा था या मेरा वहम था? मेरी फोटो खींच। खिलौना मेरा है। खिलौना मेरा है।
कितनी औषधे खिलाओगी, थोड़ी देर पहले तो खिलाई थी। एक तो माँ की ममता ऊपर से भुलक कर प्यार से ज्यादा दवाई खिलाती है। राधा हाँ? माँ को जरा कमरे में ले जाओ। हाँ, पर इसे दवाई देकर आती हूँ। पूरे केमिस्ट की दवाई खाती हूँ। पर चलो ना, सुन तो, अब चलो भी। तेरे मुंह पे 12:15 क्यों बजे? वो पैसे मैंने अपने बेटे के ऑपरेशन के लिए जमा किए थे, किसी भी तरह वो पैसे वापस दिला देना यार। पागल हो गया क्या? भाई को पैसे दिए तूने, उनके मुंह से पैसे निकालना मतलब खुद की कब्र खुदवाना है। पढ़ाई करके खुद डॉक्टर बन जा और अपने बच्चे का ऑपरेशन कर ले जा। भैया भैया, मेरे बेटे का ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये मर जाएगा। इसकी जिंदगी आपके हाथों में है भैया। मैं आपके आगे झोली फैला रही हूँ, मेरे मदद कीजिए। अरे भाभी क्या कर रही है? भाभी की आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। यार रघु, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, तू मेरी मदद करना प्लीज। ठीक है, पर तेरे लिए नहीं करूंगा, तेरी लाचार बीवी और प्यारे मासूम बच्चे के लिए करूंगा। पर एटीएम नहीं हूं मैं, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। थैंक्स यार। क्या भाई? नीरू भाई। अरे hey, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल भाग। अरे तू पागल हो गया क्या? नीरू भाई, नीरू भाई क्या हुआ? नीरू भाई, श्याम भाई। अबे भूतनी के, तूने यहाँ 3 लोगों को भेजा था ना, तीसरा कहाँ है? सर शायद शौचालय गया होगा सर। अगर इसे कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा सर। श्रवण हाँ। मैंने कहा था ना, इन पर भरोसा करना बेकार है। सिर्फ शेखर अन्ना ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं, मैं अभी उन्हें फोन लगाता हूँ। सर कृपया सर, एक मौका और दे दीजिए सर। मौका तो दिया था, देखा ना क्या हुआ। इसको छोड़िए ना सर, मैं स्वयं यहाँ पर रहूंगा सर और साबित कर दूंगा यह भूत नहीं है, प्लीज सर। श्रवण, शेखर अन्ना फोन नहीं उठा रहा, चल उसके घर चलते हैं। मैं क्या समझ के इसे एक मौका देते हैं। देखो रघु, ये लास्ट और फाइनल चांस है। इस घर में खुद रहकर यहाँ भूत नहीं है ये प्रूफ करोगे तो 10% दूंगा। घबराई मत, काम हो जाएगा। फिलहाल इनका कुछ करो। देव हाँ? चलते हैं। वीरू हाँ? भाई, श्याम भाई, श्याम भाई। इसको किधर लेकर जाता है? सर बंगार वाला चला जाएगा सर, ये एक ही स्ट्रेचर बाकी है सर, इसे भी जल्दी से बेच के आता हूँ सर। अरे रे रे, इन्हीं ठल्लों को कितनी बार समझाया फिर भी समझ में नहीं आता है। अरे गधा, इसे भंगार में नहीं बाजू वाले हॉस्पिटल में बेचो, ज्यादा दाम मिलेगा। तारा तारी करो, पेशेंट को लूटना भी है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, रघु की आत्मा को शांति देना भगवान, रघु की आत्मा को शांति देना भगवान, ये तो जिंदा है रे। तू मेरे बच्चे का इलाज करवाने वाला था लेकिन यार लंबा हो गया, तू अपना इलाज करवा रहा है, ये क्या? मुझे कुछ नहीं हुआ है, तेरे बेटे के लिए ऑपरेशन का पैसा जरूर मिलेगा। ऐसा है क्या? फिर ठीक है, जैसा बदसूरत कद्दू कहां से लाया? वो क्या है ना, अस्पताल में कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं ये लेकर आ गया। दिमाग मत खा, इसको रख दे यहाँ पर, चल। ये हुई ना बात। ऐ दादा, 5 बार आत्महत्या करने की कोशिश किया है तुम, फिर भी तुम खुद को मार कर अपना फोटो पर हार नहीं चढ़वा पाया। दादा खुद को मार भी नहीं सकता है, तुम्हारा माँ बाप को तुम पर शर्म आता होगा, फिर भी अगर तुम अपने आप को मारना चाहता है तो यहाँ आना, हम तुम्हारा गला दबा के मार देगा। पागल कर दिया है तुम हमको, यूजलेस फेलो। मिस्टर रघुपति, फिलहाल जो मैंने सस्ते वाली दवाई दी है आपको उसे लीजिए, बाद में महंगा वाला दवाई दूंगा। डॉक्टर साहब बोलो, ये आपकी उंगली यू हिलती क्यों रहती है? वो हम अपना मोबाइल फोन पर बार बार उंगली हिलाता है ना, इसीलिए अब ये खुद से हिलता है। सिर्फ यही वाली हिलती है क्या? सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। ब्रदर एंड सिस्टर फॉलो मी। सर सर सर, अपने प्राण क्यों त्यागना चाहते हो? मेरा बचपन से ही पैशन था कि मैं बड़े होकर हीरो बनूंगा, और बहुत ज्यादा टैलेंट होने की वजह से मुझे बस एक मौके की ही तलाश थी, और तभी चांदने, मेरी चांदने, क्यों क्यों क्यों
अरे बाप रे, पर उसकी सजा तुमने मिलेगी। विश्वासघात किया तुमने, मेरा दिल तोड़ा। हमारे शंकर भाई को धोखा देती है, नहीं छोड़ूंगा तुझे। बड़ी साई रुक जा, शांत हो जा, शांत हो जा, बोला ना रुक जा। वड़ी थोड़ा उस तरफ घूमो, रॉकिंग थोड़ा उस तरफ घूमो, माइंड ब्लोइंग। वाह बापड़े 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 बाप, तेरी कला की कदर नहीं करता कोई भाई, तेरी तो बात ही कुछ और है। कला के होते हुए, काबिलियत के होते, कटिंग में टाइम बर्बाद करना है, जिसे सुपरस्टार होना चाहिए था वो व्हाट्सएप के बाल काटना है। एक मिनट, क्या हुआ सर? हेलो भाई, मैं सुंदर ब्रोकर बोल रहा हूँ। शायदू से फैशन हीरो चाहिए, हीरो चाहिए कहकर मेरे पीछे पड़ गए ना तुम साई। अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए मुझे हीरो का बाप मिल गया साई। सर हीरो बनना है मुझे। ठीक है बाप ने हीरो ही मिल गया। अच्छा दिखने में कैसा है? गोल गोल चेहरा, गेहूं के आटे में बेसन मिक्स करने पर जो रंग आता है ना वैसा रंग है इसका। उल्लू के जैसी आंखें हैं इसकी, सूअर जैसे हाथ हैं, और बड़ी इसकी नाक की सुरंगें मोटी हैं। पर कोई बात नहीं, जरा रंदा मार के ठीक कर देंगे इसे। सर चाहिए तो थोड़ा सा यहाँ से काट कर, यहाँ से काट कर निकाल देते हैं। ओके ओके ओके, स्क्रीन टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है, सीधा शूटिंग शुरू करते हैं ना। हाँ भड़कता है मैं। सर आप किससे बात कर रहे थे? सर अपने सलमान भाई से यार। नमस्ते सर, पेरिपोना आशीर्वाद। फोन कट गया। सॉरी क्या है ना भाई, प्रोडक्शन करना चाहते हैं। हाँ, बाकी हर एक एक्टर तो उन्हें मिल चुका है। जी सर, जी सर। बस एक हीरो मिलना बाकी था, और अब उस फिल्म का हीरो तू है। एज ए हीरो तू तीन फिल्म साइन करेगा। इतनी फिल्में नहीं चाहिए सर, सिर्फ एक मिल जाए तो बहुत है, जीवन की नैया पार हो जाएगी सर। तीन फिल्म दूंगा मगर थोड़ा माल लगेगा। हाउ मच माल यू वांटिंग सर? बड़ी ये शॉप ओन है के लोन है? सर ये शॉप मेरी है, मैं ओनर हूँ। बस 10 लाख लगेगा। 10 लाख रुपए? रोड पे आ जाऊंगा सर। हीरो बनने के लिए बहुत से लोग लाइन में खड़े चढ़ा, जल्दी बोल हीरो बनेगा या हजाम? तो हीरो एक, हीरो दो, हीरो तीन दे दूंगा सर। मेरी प्यारी लक्ष्मी, बड़ी गिन के पूरे 10 लाख है ने? मेरे सारे मखमली कंचों की कसम खाकर कहता हूँ सर, पूरे 10 लाख है सर, मेरी दुकान बेच कर इकट्ठा किया। बड़ी तेरा पूरा शेप ही चेंज होने के वक्त पर तू एक शॉप के लिए रोड़ा है। कल से तेरी लाइफ में मेकअप, लाइट्स, कैमरा, हीरोइन, रोमांस, सॉन्ग, फाइट, डांस, बड़ी राव काल खत्म हो गया ना। अब तू जल्दी से अपना दाहिना पैर उस ऊपर वाले का नाम लेकर इस गाड़ी के नीचे उतरिए ना मेरे बॉस। स्टारडम हो तो ऐसा। सारा सेटअप रेडी है ना? हाँ रेडी है सर। तो मेरे पीछे आओ जल्दी, बॉस के लिए छतरी। सर बारिश नहीं है तो छतरी क्यों? इस इंडस्ट्री में सबसे पहले तुम्हें एक बात सीखनी पड़ेगी, जेब में भले 2 रुपए ना हो घमंड और स्टाइल होना चाहिए। ठीक है सर। गगनम स्टाइल, रजनी सर का चेला तैयार है। रॉकस्टार की जय हो, रॉकस्टार की जय हो, रॉकस्टार की जय हो, रॉकस्टार की, रॉकस्टार की, रॉकस्टार की। प्रेस वाले रुके हुए ना, मैं उन्हें आपके बारे में जाकर बताता हूँ। तो क्या मेरी परमिशन लोगे? जल्दी जाओ। सॉरी सर, इसका भी टाइम आएगा ना। हाँ सर। अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड, कीप इट अप, कंटिन्यू। सर यहाँ पर तो असली के प्रेस वाले आए हुए हैं, पकड़े गए ना तो हमें उल्टा लटका कर मारेंगे। अरे कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, मैं हूँ ना, प्रेस वालों को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। बड़ी गॉगल पहनो। सर गॉगल्स पहनूंगा तो मेरे एक्सप्रेशन नजर नहीं आएंगे सर। बड़ी एक्सप्रेशन नजर ना आने पड़ी, एक्सपेक्टेशन और ज्यादा पड़ेंगे। सर आप मेरे लिए भगवान से ऊपर है, जिंदगी भर चपले घिसने के बाद भी मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, मेरा तो जीवन सफल हो गया। आई एम वेरी थैंकफुल एंड फ्रूटफुल टुवर्ड्स यू फॉरएवर। बस 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 कर चले। तीसरी बात, कभी किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करना। हाँ नहीं करूंगा सर। चुना लगाने वाले बहुत मिलेंगे। करेक्ट सर। गुड लक सर। हाँ जाओ जाओ, अंदर सब इंतजार कर रहे हैं, तुम लोग भी जाओ। हो गया बकरा लाल। अरे वाह भाई के बॉडीगार्ड्स, हेलो जनता। हाय, ओ भाई ने अपने चेलों को भेजा है। हेलो नमस्कार।
अच्छा तुमने माइक टेस्टिंग कर ली है ना? ओह यस टेस्टिंग ओके थैंक यू सबको मेरा नमस्कार एवरीवन गुड आफ्टरनून वेरी भाई के नए बैनर के साथ एक नए डायरेक्टर के साथ एक नहीं पूरी तीन पिक्चर साइन करके आई एम फीलिंग हैप्पीनेस अ लॉट सर ये पागल कहां से आया है ए कौन है तू क्या क्या रे डायरेक्टर यू आर नॉट नोइंग मी रॉकस्टार राजा इस फिल्म का हीरो हूं अच्छा तो तुमको क्या लगता है मैं विलन हूँ ओ तो तू विलन है नाइस टू मिलो यू खाना खा के जा यही है हमारी फिल्म का हीरो ओ हिम हीरो मी कॉस्ट्यूम डिजाइनर भाई के साथ डील फाइनल हो चुकी है 3 फिल्म कॉन्ट्रैक्ट माय सेल्फ इज गेटिंग चलो भागो यहाँ से बॉयस अरे रहने दो चाय कॉफी बाद में पी लूंगा बाहर ले जाकर इसकी अच्छे से खातिरदारी करो इतनी जल्दी क्या है ले जाओ इसे हिम्मत रख फ्लॉप एक्टर अरे नहीं क्या हुआ अरे रो मत बस 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 कर अच्छा कितना कितना पैसा चाहिए तुझे बस थोड़े 10 करोड़ रुपए चाहिए फिर देखो कैसे मैं दुनिया हिला देता हूँ 50 रुपए में तेरी श्रद्धांजलि का फोटो बन जाएगा चंदा मांगना है तो औकात के हिसाब से मांग बजट से बाहर मत जा सर एक काम कीजिए ना सर मुझे आप 10 लाख दे दीजिए मैं अपना सलून वापस खोल लूंगा आपके नाम का बोर्ड लगाऊंगा सर ठीक है देखो वैसे भी तुम लोगों की एक्सपायरी डेट तो आ गई है तो मरने से अच्छा सिर्फ 3 दिन मेरे साथ चलो और सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा बस मुझ पर भरोसा रखो आप ही मेरे कर्ता धर्ता हो अन्नदाता हो आप ही मेरे माई बाप हो आप जो कहेंगे मैं करूंगा सर सर इसके पास उस्तरा तो है मेरे पास तो बिस्तरा भी नहीं है आप जहाँ कहें मैं आ जाऊंगा प्लीज मेरा भी हाथ थाम लीजिए तेरे लिए भी कुछ करता हूँ थैंक यू सर अच्छा बोल तुझे कितने पैसे चाहिए 5 लाख चाहिए 5 लाख बोलकर 4 उंगली दिखा रहा है एक का GST काटा है जानने के लिए देखिए फ्लैशबैक भाई साहब हैं अंदर का एसी चल रहा है क्या एसी तो चल रहा है बल्कि मशीन भी चल रही है कार्ड आराम से डालना स्क्रैच आ सकता है ना इंग्लिश में खुशी और अंत को क्या कहते हैं 11 अक्षर हैं। हैप्पी एंडिंग। करते हैं वो सब साफ बिना लोगों को पता चले 15 अक्षर हैं। चोर मचाए शोर नजर उधर रामू मामू सर का बोझ उतार दे ATM का क्या मतलब होता है एनी टाइम मनी मामू एनी टाइम मनी की जगह पे हनी बनी क्या कर रहे थे क्या गार्ड कर रहा था मुझे लगा वो कार्ड अंदर डालेगा लेकिन उसने तो अब तेरी दूसरी शॉर्ट फिल्म दिखाता हूँ क्या गार्ड गिरी की है तो बेटा रामू बांसुरी बजाने के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है सांसें और क्या उंगलियां तेरा हाथ इधर देना अरे दूसरा वाला बांसुरी बजाते बजाते तेरे हाथ बुरी तरह से थक गए होंगे ना इन्हें आराम देते मामू हूँ मैं मामू बात करो बांसुरी बजाने का शौक क्या कर रहा हो बाबू ये था ट्रेलर अगर तूने 5 दिन में पैसे का इंतजाम नहीं किया तो ऐसी फिल्म बनाऊंगा कि तेरी 10 की 10 उंगलियां बांसुरी बजाना तो छोड़ लोटा पकड़ने लायक भी नहीं रहेंगी तुम भरी कहानी है इसकी बस दुखी प्रसाद चौरसिया क्या करूं बस अरे मैं तुम सबकी समस्या समझता हूँ अगर तुमने मेरे आदेश का पालन किया तो सबके हिस्से में 10-10 लाख आएंगे सच्ची सर थैंक यू 10 बार थैंक यू अरे फिर सर हो रहा है पैसे नहीं चाहिए क्या दर्द हो रहा है सर थैंक यू सर नीलवर्णाय धीमहि तन्नो क्षेत्रपालाय प्रचोदयात् तन्नो क्षेत्रपालाय प्रचोदयात् जय महाकाली
आवायामी 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 अघोरा घोरा रक्त चंडिका रुद्र रुंड मालिनी फट स्वाहा। ए, कौन हो तुम लोग? चाबियां तो मेरे पास है, तुम लोग अंदर कैसे है? अरे मैं हाथ जोड़ता हूँ सर, हमें डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज। मेरे शरीर में प्रवेश कर, मेरे शरीर में प्रवेश कर कामिनी। तू यहीं कहीं छिपी है मैं जानता हूँ। देख तेरा भाई आया है, आ जा। मेरी बहन आ गई, मेरी बहन। ये सब क्या? मेरी बहन आ गई। ये क्या तमाशा है रघु? मुझे नहीं पता सर, मुझे तो लगा आपने ना बुलाया। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? सर इन्होंने मेरी बहन की आत्मा को बुलाया है। क्या आत्मा को? बस सर मैं उसे एक बार बात कर लूँ प्लीज सर। इस कंप्यूटर युग में तुम आत्माओं की बात करते हो, और तुम्हारी बहन की आत्मा मेरे इस घर में कैसे आएगी? सर वो, अरे ये सब क्या बकवास है तेरे? ये लातों के भूत हैं, सीधी तरह समझाने से नहीं जाएंगे यहाँ से। रो कभी भगाता हूँ। ए चलो उठ, उठ यहाँ से। खुद को बहुत बड़ा तांत्रिक समझता है, निकल यहाँ से। दोबारा दिखाई दिया तो यही ठोक दूंगा। आप ठीक तो हैं? ए यहाँ कोई साधारण आत्माएं नहीं है, प्रतिशोध लेने वाली आत्माएं हैं, रक्त की प्यासी आत्माएं। यहाँ प्राण घातक आत्माओं का वास है। तुम सबकी मृत्यु मुझे दिखाई दे रही है, मुझे सब दिखाई दे रहा है। आने वाले त्रिपाद नक्षत्र के दिन आश्लेषा बलि देने के समय पर समस्त राक्षस गणों की उपस्थिति में तुम सब खून की उल्टियां करके मरोगे। अरे ये होकर रहेगा। निकलो यहां से। ए, एक बार समझाने से समझ में नहीं आया? चलो निकलो यहाँ से। छोड़ो मुझे, कोई नहीं बचेगा। ए रघु, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तूने जो तीन लोग भेजे थे उसमें से दो पागल हो चुके हैं और तीसरे का कोई अता पता नहीं है, और अब तू इन लोगों को मौत के घाट उतारना चाहता है? ए तू हमें यहाँ क्यों लेकर आया है, और इस घर में भूत है क्या? अरे कोई भूत भूत नहीं है, सब अफवाहें हैं सर, आप फिक्र मत कीजिए। यहाँ जो हो रहा है तुझे मजाक लग रहा है? तूने इसे पिकनिक स्पॉट समझ रखा है क्या? डेंजर जोन है ये, डेथ स्पॉट। इनफ, बहुत हुआ यार, ये सब बेकार की बात है। देखो रघु, ये तुम्हारा लास्ट चांस है। तुम्हारे प्लान के मुताबिक तुम खुद यहाँ रुकोगे तो 10% नहीं 20% दूंगा, नहीं तो शेखर अन्ना से डील फाइनल और तुम्हारी डील कैंसिल कर दूंगा। ओके, अब तुम सोचो तुम्हें क्या करना है। देव चलते। देखो हमारे स्वागत के लिए कितनी अच्छी रंगोली बनाई है। अच्छा मैं क्या कह रहा था, अगर तुम्हें पैसे चाहिए ना तो 3 दिन तक इसी घर में रहना होगा। देखो वहाँ पर बेडरूम है, बाथरूम है, वहाँ पर बैल्कनी है। भूत है क्या? अरे भूत भूत कुछ नहीं है यार, मेरा यकीन करो। ए माना कि मुझ पंडित को भगवान पर विश्वास करना चाहिए, पर एक इंसान को भूतों से भी डरना चाहिए। मुझे तू क्षमा कर। लेकिन उन्होंने कहा के घर में भूत है, ये सोच के ही हर पल डर में जीना पड़ेगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे माफ कीजिए सर। आत्महत्या करके खुद को टपकाना तो बहुत ही आसान काम है, लेकिन अपने को किसी और चक्कर में फंसवा दिया आपने। जय माता दी, आई एम गोइंग। अरे बात सुनो। सारे के सारे नामर्द हो, हाथों में चूड़ियां क्यों नहीं पहन लेते तुम सब? डर डर डर, हर बात में डर। किसी को अपने बीवी बच्चे को खोने का डर है, किसी को अपने सारे सपनों के उजड़ने का डर है, तो किसी को जिंदगी भर जेल में चक्की पीसने का डर है। मर मर के जीना, डर डर के मरना, अगर जीतने का जज्बा रखोगे तो ही तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। डर नाम की चीज को अपने पैरों तले कुचल दो, उससे नजरें मिलाओ, जियो जी फाड़ के। भूत ना आसमान से टपकते हैं ना जमीन से निकलते हैं, वो इंसान की बनी इस फैक्ट्री से निकलते हैं। हम फैक्ट्री के मालिक हैं, अगर हम गेट पर ताला लगा देंगे तो कोई भूत कोई प्रेत उसमें बिल्कुल नहीं घुस सकता। मालिक गुलाम के आगे नहीं झुकेगा। बाप का, भाई का, दादा का, कांता बाई का, सबका आशीर्वाद है मेरे साथ, और वो आशीर्वाद मेरा हथियार है। और मेरा आशीर्वाद मैं तुम सबको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो फिर तुम तैयार हो? तैयार है। मेरे कदम से कदम मिलाकर कौन मेरे साथ चलेगा बोलो? मैं। कौन मुसीबत के साथ कुश्ती लड़ेगा मेरे साथ? मैं।
बीवियों की तरह हर मुश्किल में कौन मेरा साथ निभाएगा? मैं। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। डरना मत। ओके। चलो घुसते हैं। अरे मैं तो हिला भी नहीं तो एक कदम आगे कैसे चला गया? तू एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा है, हम अपनी सेफ्टी के लिए पीछे आए। मैं अरे दो मिनट पहले तो जोश में चिल्ला रहे थे, एकदम से हवा कैसे निकल गई? वो तो हमने इसलिए कहा था क्योंकि आपने हमें जोश दिलाया था। अब हम आपको जोश दिलाते हैं, आप आगे बढ़िए, हम आपके पीछे। पीछे मतलब? मतलब साथ में, साथ में। फोन के वाइब्रेशन मोड की तरह थर थर कांप क्यों रहा है? कहां गया तेरा जोश, कहां गई तेरी हिम्मत? तुम पहले अंदर जाकर झाड़ी मार कर आओ, उसके बाद मैं। नहीं होकर चूना लगा रहा है, अकेले नहीं साथ में जाएंगे। ये हुई ना बात मेरे शेर, दैट्स द स्पिरिट। ये स्पिरिट विरिट का पता नहीं है, मैंने अपनी लुंगी कुश्ती लड़ने के लिए नहीं उठाई है, भूत आने पे 1-2 का 4 होने के लिए उठाई है। तो भूत से भी तेज भागेगा? भूत से तेज भागूंगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन किसी सेफ जगह छुप जाऊंगा ये पता है। तुम सबके ये फालतू जोकना बंद करो, हम सब यहाँ एक साथ आए हैं तो एक साथ ही आगे बढ़ेंगे, जिएंगे साथ, मरोगे तुम लोग। डरना मत। ओके। 1-2। अरे अरे ये तो शाम भाई है। अरे रुको, मैं इसको जानता हूँ, वो भूत नहीं है। अरे मैंने ही उसको यहाँ पर एक रात रहने के लिए भेजा था, पता नहीं क्यों डर के मारे बाहर भाग गया वो। देखा, सबकी गलत फहमी है, हम उसे भूत समझ रहे थे, वो हमें भूत समझ रहा था। कुछ नहीं हुआ, हिम्मत से काम लो सब लोग। हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा, मर्द को कभी दर्द नहीं होता है। मैं इस घर का चक्कर लगा कर आता हूँ, तब तक तुम लोग हिम्मत से काम लो। इनको तो तसल्ली दे दी मैंने, पर मुझे कौन तसल्ली देगा? अरे इंटरपोको के चक्कर में क्या मुसीबत मोल ली मैंने। कहीं सच में इस घर में भूत भूत तो नहीं है? नहीं नहीं, कुछ नहीं होता, भूत भूत कुछ नहीं होता। डरो मत, कुछ नहीं है, सब ठीक है। तुम डर क्यों गए? ये मेरे मोबाइल का रिंगटोन था। अबे तो बदलना अपनी रिंगटोन। डर थोड़ा कम हुआ। ये गोली खाने से डर चला जाता है क्या? भूत का नहीं, मरने का डर जाता है। अरे बाप रे, हम चारों में आप ही तो बहादुर हो, आप लुढ़क गए तो हमारा क्या होगा? अरे मैं एकदम सख्त लौंडा हूँ, पर मेरा दिल जो है ना जरा नाजुक हो गया है। क्या सर, आप इतना डर क्यों गए? बड़ी लंबी कहानी है, लड़की के चक्कर ने सख्त लौंडे को कमजोर बना दिया। यही थी वो मेरी कामिनी, कश्मीर की सेब। सॉरी सर, मेरी वाली के साथ ड्रीम सीक्वेंस में चला गया। स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाने के लिए मैं थोड़ा सा घुस गया। कैसा है ये? ये सब छोड़िए ना, आपका फ्लैशबैक कंटिन्यू रखिए। एक दिन नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। अरे अरे रहने दो, पैर नहीं छू रहा हूँ, रिमोट है। तुम कौन हो बेटा? मेरा नाम रघुपति है, मैं आपकी बेटी का पति बनना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं, ये वाली नहीं, ये नहीं, वो चिकनी दूसरी, ये वाली। आपकी इजाजत हो तो मैं आपकी बेटी कामिनी से शादी करना चाहता हूँ। अगर तू इससे शादी कर लेगी तो तेरी बहन से कौन शादी करेगा? तेरा बाप तो दूसरी शादी करके भाग गया और तब से तुम दोनों का बोझ मैं झेल रही हूँ। बस माँ। अरे क्यों बस करूँ, तू जा यहाँ से, तुझे क्या परवाह, भले ही तेरी बहन कुएं में कूद जाए, तू शादी कर ले। बहुत हो गया माँ, चाहे धरती फट जाए, चाहे आकाश टूटकर सर पर गिर जाए, चाहे मेरी जवानी ढल जाए, जब तक अपनी बहन को किसी से मिला नहीं देती मैं दूल्हे को चढ़ने नहीं दूंगी। क्या? मेरा मतलब घोड़ी पे, ये मेरी शपथ है। ओए, शपथ खा के चपत लगा रही है। रघुपति तुम ही हो मेरे होने वाले पति। ज्यादा मसल मत, मसला खड़ा हो जाएगा।
समझ गया, तुम्हारी छोटी बहन की शादी कराऊंगा, उसके बाद मेरी शादी हो गई है ना। नमस्ते जी। छोटी बेटी की शादी करा दी, अब हम भी शादी कर लें क्या? बहन की शादी तो तूने करवा दी, अब भाई के लिए भी कुछ कर दे। कर दिया लालजी औरत, ये लो बहुत बड़े जिम में इसकी चपरासी की नौकरी लग गई है। मुबारक हो। थैंक यू। ये ले बेटा, अब तू सेट है। ये अंदर आ जा, देखते क्या आ जा तो तुझे लग जाए। अरे पहले तुम्हारे अकाउंट में बैलेंस कम है, वो भी मुझे दे रही हो। कामिनी, तुम्हारी बहन की शादी हो गई, भाई को भी नौकरी मिल गई, अब क्यों ना हम भी शादी करें? 100% नो डाउट, श्योर शॉट। तो अपना ही सोचो, मेरी तो किस्मत खराब है, मुझ बूढ़ी को अकेला छोड़कर तुम दोनों शादी करके मजे करोगे। जाओ भाई जाओ, मैं तो अकेली ही मर जाऊंगी, मेरी किसे पड़ी है। बहुत हो गया माँ, चाहे मेरे सारे बाल सफेद ही क्यों ना हो जाएं, मेरी कमर ही क्यों ना टूट जाए, मेरी मौत आ जाए पर मैं शादी नहीं करूंगी, ये मेरी शपथ है। खुश रहे मेरी बच्ची। बात बात पे शपथ खाती, खाना नहीं खाती क्या? अब क्या क्या करूं मैं? ठीक है, शादी के बाद तुम्हारी सौतेली माँ हमारे साथ ही रहेगी, ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो अब जाऊँ शादी के कार्ड छपवा लूँ? हाँ, साथ में हनीमून बुक कर लेना। नॉटी गर्ल। आंटी, मुझे अब और कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, कार्ड छप गए हैं, मेरी जवानी की रेल को हरी झंडी मिल गई है। कामिनी, मेरी कामिनी, कहाँ हो तुम? तुम्हारी ये कामिनी बड़ी कमीनी निकली, हमें छोड़कर चली गई। चली गई मतलब? मुझे बोली दूध लेने जा रही हूँ और दूध वाले के साथ भाग गई। जितना दाना खोने का गम नहीं हो रहा, उतना चोंच उखड़ने का हो। उड़ी बाबाई तो चमत्कार है, जब इंसान पैदा होता है ना तो ऊपर वाला उसको 9 छेद देता है, उसने तुम्हें 10 ठो छेद दिया है। अरे वाह, थैंक यू वाह। दादा, इसमें तुमको खुश नहीं होना चाहिए, हमको खुश होना चाहिए। तुम्हारे दिल में ऊपर वाले ने एक छोटा सा छेद बनाया है। दिल में छेद उस ऊपर वाले ने नहीं, क्या? उस कामिनी ने बनाया है। नहीं नहीं नहीं, उसके प्यार के झोल में दिल में होल हो गया है मेरे। ऐ नहीं हो सकता है, उसके प्यार करने की वजह से तुमको छेद नहीं हुआ है, ये छेद तुमको बचपन से ही है। हाँ, लेकिन ये छोटा छेद उम्र के साथ बड़ा हो रहा है। डॉक्टर साहब, कोई घबराने की बात है तो मैं अपने घर वालों को फोन करके बुला लूं? अरे नहीं नहीं नहीं, चिंता करबेना, तुम्हारे इस छेद को ना मैं सीमेंट लगा के बराबर कर देगा। दादा, इसके लिए 10 का जरूरत है। अरे सर, मैं तो अचानक बेहोश हो गया था, कोई 10,000 रुपए लेकर बेहोश होता है क्या? बाबू मोशाय, हम तुमसे 10,000 नहीं मांगता है, तो फिर 10 लाख मांगता है। 10 लाख रुपए? भाई तो बेहोश हो गया। कंट्रोल। सॉरी डॉक्टर। क्या सॉरी डॉक्टर, जिसे भी देखता है टेस्ट ड्राइव के लिए चला जाता है, क्या इसका टच स्क्रीन बिगड़ गया है? ए दादा, तुम क्या बिल का नाम सुनते ही बेहोश हो गया? ऑपरेशन करने के लिए टाका तो लगेगा ना। ऐसा मत कीजिए डॉक्टर, मेरे पास सिर्फ 1,000 रुपए, प्लीज कर दीजिए। अरे नहीं दादा, तुम्हारा ऑपरेशन करना वो भी 1,000 रुपए में मुश्किल है। एक ठो काम हम कर सकता है, तुमको सलाह दे सकता है, तो मेरे मुंह पे रिवर्स इमोशनल थेरेपी। ये क्या होता है? जब भी तुमको बहुत ज्यादा खुशी होता है तब तुम क्या करता है? हंसता हूँ सर। लेकिन आज के बाद जब भी तुमको ज्यादा खुशी होगा ना, तब तुमको हंसना नहीं है, रोना है। और जब तुम्हारा इमोशन जरूरत से ज्यादा बढ़ता है तब तुम्हारे साथ क्या होता है? हड्डियाँ थर थर कांपने लगती है और चिल्लाने लगता है। मगर आज के बाद जब भी तुमको डर लगे ना, अपने हाथ पैर ढीला करके जोर जोर से हंसा करो। तो दादा, डर लगेगा तो क्या करेगा? हंसूंगा। और खुशी होने पर? रोऊंगा सर। करेक्ट। नर्स, हाँ? इसे साथ ले जाकर डिस्चार्ज कर दो। ओके सर। फूड और बेड तो फ्री है, लेकिन हमने जो सलाह दिया है उसका टाका लेना मत भूलना। डॉक्टर साहब, सलाह देने के कौन पैसे लेता है? दादा, रिवर्स इमोशनल थेरेपी। डॉक्टर, आप तो मुझे लूट रहे हैं। सही समझा सिस्टर, इसकी हंसी पर मत जाना, इसे टाका लेना। दूध में मिलावट करने वाला मेरे प्यार में मिलावट करके चला गया। हम दो चीजों से घिरे हुए हैं, एक है जरूरत और दूसरी गरीबी। इन दोनों को मिटाने के लिए एक ही हथियार काम आता है, पैसा। देखो, अगर हमने रिस्क नहीं लिया तो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। रिस्क लेने पर हमारी डेट फिक्स ना हो जाए, इस बात से डर लगता है। अरे हमारे पास है क्या जो हम खो देंगे? हमारी मजबूरी देखकर तो भूतों को भी हम पर तरस आ जाएगा। बस 2-4 दिन की ही तो बात है, एक बार ये काम हो गया ना तो सबको ढेर सारा पैसा मिलेगा। ओके ओके। आज दुर्गाष्टमी है, मैं उसे जलाकर राख कर दूंगी, उसकी मौत से ही मैं
मेरा बदला पूरा होगा। मैं कौन हूँ? कश्यप ब्रह्मा का बेटा, दीति गर्भ संतान, चतुर्मुख ब्रह्मा का पोता, विधाता के हाथों ही विधि को बदलवा कर मृत्यु को मात देने वाला शूरवीर हूँ मैं। खाने की लाल रंग की मीठी और मशहूर चीज, 11 अक्षर की हलवा। 11 अक्षर बोल के 3 अक्षर लिख रहे हैं, हलवा। गाजर का हलवा। रघु टाइम क्या हुआ है? टाइम टेबल की औलाद, ऐसा टाइम से पीता है जैसे कि वो कोई दवाई हो। नो अक्षर है। अरे अबे आराम से, गले में बोतल अटक जाएगी। खंबा हुआ टनाटन, मैं हूँ पिटक्कर नंबर वन, चैन कुली की मैन कुली, मैं चली। अरे कहाँ चली? ओए, तू पूछ रहा मैं कहाँ जा रहा हूँ? एक सीधे हाथ का दूंगा ना तो सीधा हो जाएगा। जब बड़े किसी बड़े काम से जाते हैं तो उसमें पीछे से टोकना नहीं चाहिए। तुझमें संस्कार नहीं है क्या? है, देख इसमें कितने संस्कार है, सीख इससे कुछ सीख, पैर पड़ इसके, तू सीख जाएगा, सब सीख जाएगा। अरे प्रेशर कुकर की तरह मुझ पर। चुप, मुझे तेरी आवाज नहीं सुननी है। नीचे मुंडी कर, कर नीचे मुंडी। चुड़िया रानी, तू यहाँ अकेली क्या कर रही है? हा? तुझे नींद नहीं आ रही? चल मैं तुझे सुला देता हूँ। सो जा, सो जा, सो जा, सो जा, सो जा, रोना मत। ये कैसी आवाज थी? तुझे भी सुनाई दी? कान में मशीन कब डाली? थोड़ी देर पहले, अब निकाल देता हूँ। किस्मत वाला है, जब चाहे तब अपनी इनकमिंग बंद करवा सकता है। राज बब्बर और डिंपल कपाड़िया का मशहूर गाना, 10 अक्षर का, दिल हुम हुम करे। मेरा दिल भी हुम हुम कर रहा है। सुन, मैं दवाई खाकर आता हूँ। हाँ, ऐसे मशीन निकाल ली इसने। ये राघव कहाँ चला गया? राघव, 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 राघव। जब हवा टाइट हो तो छोटा सा बॉल भी खोपड़ी लगता है। ये राघव कहाँ गुल हो गया? राघव, अच्छा हुआ इसका नेटवर्क बंद है, बच गया। हमारे श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो सारे पशु पक्षी उनकी धुन में मगन हो जाते थे, पर तूने बांसुरी बजाकर भयानक भूतों को ही फ्लैट कर दिया। तू तो कलयुग का कृष्ण निकला। क्या फायदा कुछ कह के,
इसे थोड़ी सुनाई देने वाला है, बेकार में इतनी तारीफ कर दी। रुक जा विजय राजेंद्र वर्मा। कौन है? पहचाना नहीं? मैं मोंजलिका हूँ। आज दुर्गा अष्टमी है, इसकी मौत से ही मेरा बदला पूरा होगा। आज तू किसी हाल में नहीं बचेगा। ए, क्या बोल रहा है? तुम जो बोल रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे समझ में आए ऐसे बोलो। मेरी समझ में नहीं आ रहा? हाँ। आजा राजा, आजा। हाँ। ऐसे पागलों की तरह नाच क्यों रहे हो? पता है मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? कश्यप ब्रह्मा का पुत्र, दिति गर्भ संजात, चतुर्मुख ब्रह्मा का पोता, अतल वेतल तलातल महातल, पाताल लोक को अपने पैरों तले रौंदने वाला महान पराक्रमी हूँ। मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाला मेरा कुमार, मेरी आशाओं का किरण ही मेरा शत्रु बन बैठा है। छे, ये कैसा जीवन है? ये कैसा न्याय है? ये कैसा दुर्भाग्य है? ये कैसा दुर्भाग्य है? फालतू की बकवास करके मेरा भेजा मत घुमा। शराफत से इस घर से निकल जा, वरना मुझे घर से बाहर निकालने वाला तू कौन होता है? तूने जो भी बोला मैंने वो नहीं सुना। क्यों रे, क्यों मेरा दिमाग खाने पर तुला है? ज्यादा मत कर गुस्सा वरना खाएगा तो घुसा, तेरे भेजे से निकाल फेंकेंगे भूसा। क्या बात है, ये भी कोई अजूबे से कम नहीं है। इसका एक्टिंग का भूत तो भूत पर भी भारी पड़ गया, फ्लॉप से हिट हो गया। अरे तू क्या हंस रहा है? सर आप हंस रहे थे इसलिए मैं भी हंसने लग गया। तफरी के लिए कहाँ जा रहा है? सर सुसु करने जा रहा था, अगर आप भी साथ चलेंगे तो अच्छा लगेगा, चलिए ना। अबे सुसु करने जा रहा है, चाय पीने नहीं जा रहा जो साथ में चलूं? जा कर गया। सर सुसु करते वक्त मैं हाथ में नहीं पकड़ सकता ना, आप पकड़ेंगे तो मेहरबानी होगी। क्या पकड़ूंगा? बांसुरी सर, थोड़ी देर बांसुरी पकड़ेंगे तो मैं शांति से करके आ जाता सर। लादे और पूरी तरह से हल्का होकर आना। सर मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी जोरों की लगी हुई है, चलिए ना साथ में करके आते हैं। इस मनहूस घर में आकर सुसु तो क्या, मुझे पसीना भी नहीं आ रहा। वैसे टॉयलेट कहाँ पर है सर? ये मेरे बाप का घर नहीं है जो मुझे सब कुछ मालूम होगा, जाकर खुद ही ढूंढ ले। सुंग जहाँ बास आएगी वहीं टॉयलेट होगा। अच्छा मजाक कर लेते, स्टैंड अप कॉमेडी ट्राई कीजिए ना। अच्छा सीधा जा, फिर राइट में जा, वहां पर ढूंढ, वहीं होगा शायद। सर एक बार फिर से सोच लीजिए, चलिए ना सर साथ में सब कुछ करके आते। जब तू बोलेगा तब मैं सुसु नहीं करूंगा, जब मुझे आएगी तभी करूंगा, भाग यहां से। इतनी जोर से चिल्लाया कि मुझे भी सुसु आ गई। अब अच्छा लग रहा है, कितना सुकून है इस काम में। हल्का होके मेरा दिल भी हल्का हो गया। अरे ओ अबे ये क्या कर रहा है? ये घर वाले भी ना सर, पूरे घर में फैन लगवा रखा है लेकिन बाथरूम में ऐसी है, सोचा होगा यहाँ किसी के पसीने नहीं छूटने चाहिए। क्या हुआ, इतना सन्नाटा क्यों है सर? कुछ नहीं, तू बस फ्लश करना मत भूलना, मैं चलता हूँ। हाँ सर, हाँ सर। भाई साहब। सर आप अभी तक यहीं पर हैं? मैंने क्या कहा और तुम क्या कर रहे हो? फ्लश कर रहा सर। अबे फ्रिज में तेरे पप्पा ने फ्लश लगवाया था। फ्रिज है? नहीं तो क्या बाथरूम है? ये क्या गड़बड़ घोटाला है, सब सच सच बता। सर क्या है ना, शाम को 6 बजे के बाद मुझे दिखाई भी नहीं देता है सर, ऑडियो के साथ वीडियो भी गायब। मुझे लगा था तेरा स्पीकर खराब है, तेरा तो डिस्प्ले भी बेकार है। सर एक एहसान करना, किसी को ये मत बताना। कौन सी बात? फ्रिज में सुसु करने वाली बात या रात को दिखाई नहीं देने वाली बात? फ्रिज वाली बात, वैसे दोनों दोनों बातें मत बताना। हाँ सर। क्या बात है, तुम किसी की भी सिंपैथी नहीं चाहते। शाबाश शाबाश। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे ये तू बांसुरी क्यों बजाते रहता है? ज्यादातर जब मुझे डर लगता है तो मैं बांसुरी बजाता हूँ, म्यूजिकल थेरेपी। उस दिन एटीएम पे क्यों बजाया? उस टाइम मैं बोर हो रहा था और आज सोफे को अकेला महसूस कर रहा था तो क्रॉसवर्ड क्यों खेल रहे थे? ताकि मेरी कमजोरी के बारे में किसी को पता ना चले। बड़ा झोलर आदमी रे। आपने मुझे सही समझा, डिफेक्टेड पीस होने के बाद भी मुझे बस एक परफेक्ट बीवी चाहिए। बहुत लड़कियों से मिल चुका हूँ लेकिन आज तक किसी को बताया नहीं। रघुपति सर दो नंबर जाना है, चलिए ना। ये राघव कहाँ गायब हो गया है, कहीं भूतों ने उसे पकड़ तो नहीं लिया? चलो ये तो टली होकर सो गया, मतलब सुरक्षित है। वो डॉल मेरी है, डॉल मेरी है। वो डॉल मुझे दे दो। ए, हल्ला क्यों मचा रही है तू? डॉल तेरी है क्या?
चल भारा तू भारा भारा जा, जा, जा। तुझे समझ नहीं है क्या? तूने मेरी नींद तोड़ दी। What is your problem? वो डॉल मेरी है। डॉल तेरी कैसी हुई बेचिपकली? तेरा नाम लिखा है क्या इस पर? डॉल पे ज्यादा ध्यान देने से अच्छा है तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। अगर सिर्फ डॉल के साथ खेलती रही ना तो तुझे पढ़ाई में इतना बड़ा अंडा मिलेगा, अंडा समझी क्या? ये तू मुझे घूर क्यों रही है? क्या मैं भूत हूँ? चल जा, जा भूत बोला ना भाई। मेरी डॉल, अरे फिर डॉल डॉल कर रही है, एक पंच दूंगा तुझे मैं। ए चल जा अपना होमवर्क कर, जा 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 जा। अरे अरे इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। देख तो सही, ये रात रात को जाग जाग कर तेरे डार्क सर्कल्स कितने बढ़ गए हैं। डर्टी गर्ल, ये बाल देख अपने कितने सूखे हुए हैं। अपनी मम्मी से कहकर इस पे तेल मालिश करा, सर के तेरा चक्रा है या दिल डूबा जाए है। चल जा डर्टी गर्ल, डोंट डिस्टर्ब। ये डॉल मेरी है। अरे राघव, जल्दी बाहर आ। रात को आराम से सोने की बजाय तो यूं भूत की तरह घूम क्यों रहा है? मुझे भी सोने दे। कौड़े को कैसे बाहर बुलाऊं? कम्बल आया है, अभी आता हूँ, एक मिनट। जो औरतों को बुरी नजर से देखता है हम उन दरिंदों की आंख निकाल देते हैं, हाथ लगाए तो उसकी गर्दन उड़ा देते हैं, और अगर जबरदस्ती की तो उसे जिंदा गाड़ देते हैं, और प्यार से मांगा तो एक नहीं दो चार देते हैं। राजा रघुपति, वो दोनों बेवकूफ भी होते तो टाइम पास हो जाता है। अरे क्या बोल रहे, दोनों सामने ही बैठे। राजू भाई, अंताक्षरी खेले क्या? अबे ओए, बस में बैठ के पिकनिक जा रहा है क्या? आया बड़ा अंताक्षरी खेलने वाला, मेरे डर के मारे हालत खराब है। डर? अरे बाप रे, ये मेरा घर है और मेरा घर मतलब डरने का नहीं। ये घर हमारा है, ये घर हमारा है। ए, कौन बोला रे? मुंह में कुछ दबा के रखा है, खुला खुला बोलो ना, क्या चाहिए तुम लोगों? ये घर हमारा है। ये घर हमारा है। इस घर से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें नर्क नर्क में भेज दूंगा। ये घर सिर्फ घर नहीं है, मौत का घर है। किसी भी वक्त मौत तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो सकती है, और तब बुझते हुए दिए की तरह फड़फड़ा कर मर जाओगे सब। अगर अपनी जान प्यारी है तो निकल जाओ यहाँ से। हम में जो चीज नहीं है और तुम में जो है वो एक ही है, वो है डर। अगर हमसे टकराओगे तो सीधे जाओगे परलोक। अरे कहाँ जा रहा? अरे थू तुझ पर बुढ़ाऊ, तेरे मुंह में कीड़े पड़े हैं। स्वर्ग से सुंदर इस प्यारे घर को तू मौत का मुंह कह रहा है? अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आती ऐसा कहते? अरे सुधा, तूने कितने घटिया बच्चों को किया है पैदा। कैंडल लेकर ढूंढने पर भी ऐसे नालायक बच्चे कहीं नहीं मिलेंगे। तू तो शाणी बन गई जो चुपचाप खिसक ली। तू जानती थी कि ये लोग तुझे घटिया दिन दिखाएंगे, इसलिए चुपके से तू सूमड़ी में कुमड़ी बन गई। जहाँ इस घर में पूजा पाठ की आवाजें सुनाई देती, जहाँ ये घर कभी स्वर्ग हुआ करता था, आज इस स्वर्ग जैसे घर में हैवानियत छा गई, शैतानों का खेल हो रहा, सब शैतान बन बैठे हैं। मेरा जीवन सार्थक हो गया। रिलैक्स्ड, तुझे क्या लगा तू शेर की तरह चिल्लाएगा और मैं बकरे की तरह डर जाऊंगा? खौफ देख ले मेरी आंखों में। डरा दिया भाई। तुम लोगों को तो ढंग से डराना भी नहीं आता और खुद को भूत बोलते हो। अरे भूत की स्पेलिंग उसका मतलब भी जानते हो क्या? काजल लेकर आंखों के चारों तरफ लगा दूं तो, और ढेर सारा पाउडर अपने चेहरे पर रगड़ दूं तो, होठों पर थोड़ा सा टूथपेस्ट लगा दूं तो, स्मोक इफेक्ट के सामने आकर खड़ा हो जाऊं तो तुम लोग पानी कम चाय लगोगे और मैं भूतनाथ भूतनाथ लगूंगा। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, अटेंशन। राजू भैया, रघुपति सर।
रघुपति सर। हे, क्यों चिल्लाए बे? सर, कॉकरोच सर, सर भगाइए ना सर, मुझे खा जाएगा, मुझे बहुत डर लगता है सर, प्लीज बचाइए मुझे। पागल हो गया तेरा दिमाग खराब है तेरा, या मैं शक्ल से बेवकूफ लगता हूँ? रात को तो भूतों से नहीं डरा तू, और सुबह उठकर एक छोटे से कॉकरोच से डरता है? जवानी फोड़ दूंगा तेरी। ओम गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टे विनायक नमो नमः, श्री गणपति बप्पा मो। वाह, तेरी तो बाज की नजर है ना। ओ, आप ट्राई करेंगे? करिए ना। अरे मेरे भाई, पहले कान का तानपुरा ऑन कर। यस सर। क्या कर रहा है तू? निशानबाजी, निशानबाजी। इससे कंसंट्रेशन बढ़ती है और दिमाग तेज हो जाता है। तेज कर, कर तेज कर। रात को देखा मैंने कि तू फ्रिज में कितनी तेज धार छोड़ रहा था। अरे मैं से बात कर रहा हूँ, मशीन निकाल के अवॉइड कर रहा है। अरे वो करोड़ों रुपए जो थे ना इस घर में, वो मेरे जेब में पड़े हैं, तू निकाल के। पैसे मिल गए क्या सर? लालची, आरती लीजिए, चलिए चरणामृत लीजिए। दिन में गंगा जल पिलाता है, रात को मदिरा पान करता है। समझ में नहीं आता कि साधु है या शैतान। सर ये क्या सर, आपका दिल इतनी जोरों से धड़क रहा है? दिल नहीं धड़क रहा, कोई दरवाजा ठोक रहा है। अरे हर आवाज पे बुझते दिए की तरह फड़फड़ाने क्यों लगते हो? हर के मालिक ने बोला था वो आएगा, शायद वही आए होंगे। मैं अभी जाकर देखता हूँ। आ जाओ जाओ। अच्छा ध्यान से सुनो, अगर वो पूछे रात को डर लगा तो कहना बिल्कुल नहीं, बोला हम मजे से सोए, तो वो जल्दी पेमेंट कर देगा, समझ गए? ओके ओके। सुप्रभात सर। तुम्हारे दोस्त कहाँ है? यही है ना सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो? कैसे मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है ना? एकदम मत सर, कल रात हमने बिरयानी खाई, अंताक्षरी खेली और आराम से सो गए। अरे रात को मैं इतना थिरका कि मेरी कमर लचकते लचकते रह गई। सर दरअसल इस घर में भूत प्रेत नाम की कोई चीज ही नहीं है सर। वो क्या है ना, नाइट ड्यूटी करके मुझे रात को सोने की आदत ही नहीं थी, लेकिन कल रात तो मैं यहाँ घोड़े के गधे बेचकर सो गया था। इसने इतने खराटे लिए कि मेरी नींद ही उड़ गई। रात भर में भगवान का नाम लेकर उनका जप करता रहा हुआ। पैसों की लालच भी क्या चीज होती है, बेवकूफ कितनी अच्छी तरह से झूठ बोल रहे। क्यों बे रघुपति, सुना है करोड़ों की डील में तूने हाथ डाला है, बहुत माल मिलने वाला है। अरे कहा, मैं तो बस किसी की मदद कर रहा हूँ। अन्ना तेरे से बात करना चाहते हैं। भाई को बात करनी है। हेलो 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 अन्ना, इस साले की चर्बी तो देखो, फोन ही काट दिया इसने। उस घर में भूत है ये कहने पर भी वो लोग घर छोड़ने को तैयार नहीं है सर। और जो आपने पुजारी भेजा था ना भैया, आत्माओं की आवाज भी निकाल रहा था, फिर भी वो लोग बिल्कुल नहीं डरे। लगता है आपका प्लान कामयाब नहीं होगा शेखर अन्ना। अगर वो चारों और दो दिन उस घर में आराम से रहें, तो वो घर हमारे हाथ से निकल जाएगा। हमें जल्दी से कुछ करना होगा। इस जमाने में कहेंगे कि भूत प्रेत आत्माएं होती है तो कोई बेवकूफ भी नहीं मानेगा, लेकिन यकीन दिलाना होगा, मतलब भूतों को हमें ही भेजना होगा उस घर में। दादाजी, दादीजी से मिलने का मन कर रहा है, उन्हें हमारी याद क्यों नहीं आ रही है? दादाजी, दादीजी आएंगी ना? आएगी बेटा, वो जरूर आएगी। हम ऐसी स्थिति में है, ये माँ जी को कैसे पता चलेगा? हाँ इतने दिन हो गए, उनकी कोई खबर नहीं है। माँ जी जिंदा भी हैं या वो भी हमारी तरह? वो जिंदा होंगी। हाँ? मेरा दिल कह रहा है कि वो जिंदा होंगी। माँ के लिए हमारा ये घर स्वर्ग है, मुझे यकीन है वो वापस जरूर आएंगी, और माँ के आने तक हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, लेकिन इतना डराने के बाद भी ये लोग यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे, उन्हें सबक सिखाने का वक्त आ गया है। ऐसा हाल करूंगा कि दुम दबाकर भाग जाएंगे वो लोग। समझ के क्या रखा है भूतों को? भूत डर का दूसरा नाम है। अगर वो यहाँ से नहीं गए तो शेखर अन्ना हमें पेमेंट नहीं देगा। सुनो, तुम्हें पता है हमें एक्टिंग कैसी करनी चाहिए? अगर इस घर में असली भूत रहते भी होंगे तो हमारी एक्टिंग देख के वो थर थर कांपने चाहिए। थर थर कांपने की बात बाद में कर, पहले अपने इस गाउन को ऐसे ऊपर पकड़ के रख। हा? अगर गलती से ऊपर से नीचे गिर गया ना तो असली का भूत बन जाएगा। इस महान मराठा को तूने क्या?
मुंह का गटर भी साफ किया कर चल जा। तू जंगल बॉय फिल्म का साइड विलन है ना? यस। तू वही है मैंने पहचान लिया। वाओ, क्या मस्त स्टैचू जैसा खड़ा है, क्या सॉलिड परफॉर्मेंस है बाबा। ए, सच बता, तुझे शेखर अन्ना ने ही बुक किया है ना? कितने में सेटिंग हुई तेरी? ठीक है बाद में बात करते। तू अपना कैरेक्टर छोड़ना मत, सबकी फट जानी चाहिए। लेकिन ओवर एक्टिंग मत करना भाई, अपने गुरु से सीख। फिलहाल ड्यूटी टाइम है, बाद में फ्री टाइम में मुझसे आकर मिलना, मैं तुझे मस्त ट्रेन कर दूंगा। हाँ, अगर डर लगे तो एक पैक मस्त पी लेना। धक 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 धक, ये काली काली रातें रातें रातें। डराने के लिए कौन सी लोकेशन सही होगी? आवाज नीचे, मैं हल्का होके आ रहा हूँ। ठीक है, घुस जाइए। क्या क्या करके आ रहा हूँ? हल्का हो गया यार। हाँ हाँ ये मेरा जा पेपर कहाँ चला गया? मैं आई मोबाइल में देख देख के एक्टिंग सीख रहा है, हीरो बनेगा। बंद कर रहे इसको। ए रघुपति, मैंने कुछ नहीं किया, बिजली गई है। ये ड्रामा मत कर, मुझे भी पता बिजली गई है। अभी मैं जाके हल्का हो रहा हूँ, तब तक सब लोग साइलेंस रहने का। क्या बेवड़ा भी ना रघुपति सर, आपने फैन क्यों ऑफ कर दिया? अरे मैंने फैन ऑफ नहीं किया, लाइट चली गई है। अरे बाप रे, लाइट चली गई। बंद कर, तेरी लाइट तो रोज शाम को 6 बजे चली जाती है। मेरी प्रॉब्लम का मजाक मत उड़ाइए सर। सर क्या? सर अरे बोलना, आज हम दोनों एक साथ सोएं क्या? अबे कभी सुसु करने के लिए साथ बुलाता है, कभी सोने के लिए साथ बुलाता है, क्या समझा मुझे? ऐसी बात नहीं है सर, वो आप साथ में होते हैं ना तो थोड़ी हिम्मत बढ़ जाती है। अकेले में बांसुरी पकड़ के ये बता, किसी का सर फोड़ने से जो लाल चीज निकलती है उसे क्या बोलते हैं? कितने अक्षर का है? 2 अक्षर। खून सर। तुझे मान गया यार। उगाड़ के फेंक दूंगा, पास कर गएगा। जाओ अंधेरे में छुपो मत, मुझे अभी के अभी हल्का दे दो। अरे टंकी फुल होने के बाद खाली करना जरूरी है भाई। अरे चलो भाई टंकी खाली करो, खाली करो। बाल बाल बच गया, वाह हल्का हो गया। माचिस कहाँ है? माचिस कहाँ है? हेलो एक्सक्यूज मी, मैच बॉक्स प्लीज। माचिस नहीं तो लाइटर तो होगा आपके पास? लाइटर? मुझसे लाइटर पूछ रहा है, मैं कौन हूँ पता है? ए तू कौन है? ज्यादा जबान चलाए ना तो इस कबोर्ड में डाल के तुझे फ्लश कर दूंगा, सीधा पाताल में निकलेगा। अबे घुसा गया रे, तेरे माथे के अंदर एक इनबिल्ट लाइटर है। मैं इसे जलाता हूँ। शौक फरमाइए। Yeah!
ईश्वर आवाज कर रहा था लेकिन धमाका मेरा था। अब तो कहा जाने का मुझसे पंगा। बाल बाल बचा। ध्यान जिससे जीवन का समग्रता से रूपांतरण हो जाए। यहाँ सोफे पर बैठ के नाक के चूहे फैला रहा है। इसकी तो यहाँ सोया है। बजरंगबली 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 बचा ले बजरंगबली बजरंगबली। अरे एक सेकंड रुकना यार, बाहर भूत है। मैं एक बार बोला तेरी समझ में नहीं आता। रघुपति सर अयो ये तो साक्षात भगवान है। ए प्रभु श्री कृष्ण परमात्मा आप धन्य, आगे भी ऐसे ही जीवन दान देना प्रभु, अपनी कृपा बनाए रखना। सुन सुन सुन, इस घर में तो सच में भूत है। क्यों मार रही है मुझे? तुझ में भी कोई भूत भूत की आत्मा आ गई है क्या? हीरो जैसे आकर मुझे इस चुड़ैल से बचा लिया, आपकी जय हो प्रभु। हाय हाय, तुझे डर नहीं लगता? थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है। कर ले सेटिंग। क्यों नहीं करता हूँ। भाई उस घर में तो सचमुच के भूत रहते हैं भाई। ए, तू कॉमेडी आर्टिस्ट है मुझे पता है, हमारे सामने कॉमेडी मत कर। कॉमेडी नहीं है सर, सच कह रहा हूँ। ए, तू कह रहा है कि वहाँ भूत है, तो वो चार वहाँ कैसे रह रहे हैं? अरे मुझे तो भगवान के अवतार लगते हैं, भूत लोगों की भी उनसे फटती है, खतरा उन्हें नहीं वहाँ रहने वाले भूतों को है भाई। ए, भाई चल फूट ले। भाई मेरे पेमेंट का क्या? गिरी आना, पेमेंट के साथ इसे थोड़ा ट्रीटमेंट भी दे। मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई। शेखर अन्ना, इन मिमिक्री आर्टिस्ट ड्रामा आर्टिस्ट से कुछ नहीं होगा, अब हमें ही कुछ करना होगा। रघुपति मैं कब से कॉल कर रहा हूँ यार, पर मेरी बीवी फोन ही नहीं उठा रही है। बेटी की तबीयत भी ठीक नहीं है, पता नहीं क्या हुआ होगा, मैं जरा देख कर आता हूँ। देख इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ? सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू जाओ उनसे मिलकर आ जा। थैंक यू यार। पर शाम होने से पहले आ जाना, कहीं भी खंबा देखकर रुक मत जाना, समझा? नहीं नहीं नहीं, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ले एक एक करके खा ले, आराम से खाना, क्योंकि एक ही पैकेट है। अब पीने के लिए पैसे चाहिए? इसमें थोड़े ही बचे हैं, ये भी ले जाओ। अरे मैं पैसे लेने नहीं आया हूँ, अपने बच्चे से मिलने का मन किया इसलिए चलकर यहाँ आया। मुझे आप पर जरा भी विश्वास नहीं। सुनो जया, तुम्हें विश्वास करना होगा, बस दो दिनों की बात है, काम खत्म होते ही मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा, पैसा मिलते ही मैं इसका ऑपरेशन करवाऊंगा, हम लोग खुशहाल। थोड़ी शर्म करो, अपने बेटे की तो सोचो, पी पी कर सब बर्बाद कर दिया आपने। चोरों पर विश्वास कर सकते हैं पर पीने वालों पर बिल्कुल नहीं। आपको तो अपने बेटे के भविष्य की भी नहीं पड़ी है। मैं इसके सर की कसम खाता हूँ, इस जन्म में तो क्या किसी भी जन्म में मैं शराब नहीं पीऊंगा, कसम खाता हूँ। ये ले बेटा, चलता हूँ।
आज साला मोबाइल भी नहीं चल रहा है, टीवी भी नहीं चल रहा है, एंटरटेनमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं। अरे मेरे पास सबसे बढ़िया एंटरटेनमेंट है, ये देखो। अरे वाह, ये हुई ना कोई बात। हाँ, एक शुभ समाचार मिला है। अगर आज की रात हमने यहाँ किसी तरह निकाल लेना तो कल से हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हाँ, इस घर का सौदा हो जाएगा और यहाँ पर एक बढ़िया होटल बन जाएगा, मुझे खुद घर के मालिक ने बताया। कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। कांग्रेचुलेशन राम जी। खुशी के मारे हाथ यहाँ वहाँ घूम रहा है। कांग्रेचुलेशन सर। अरे इतनी खुशी की बात है, आपका सूजा हुआ मुंह क्यों चढ़ा हुआ है? थैंक यू सर, थैंक यू। हाथ मिलाने का ऑफर खत्म। तो प्यारे राघव जी, मदिरा की बोतल का उद्घाटन आप करेंगे? ये लीजिए। हाँ, खोले खोले। नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। अरे क्या मजाक कर रहा है, 9 बज के जा चुके हैं, अब तो इसका खुलना बनता ही है। चल खोल। कहा ना नहीं पीऊंगा, मैंने अपने बच्चे की सर की कसम खाई है। अरे कसम का पालन कल से करना, आज भी। मुझे मौत ही क्यों ना आ जाए, पर मैं बिल्कुल नहीं पीऊंगा। देख, मैं खुद आज तक तुझे पीने से मना करता था, पर आज कह रहा हूँ इसलिए पी ले, फिर मरते दम तक पीने के लिए नहीं कहूंगा। वो नहीं पी रहे तो जाने दीजिए ना, उनके हिस्से का मैं ठूस लूंगा। इसके हिस्से की गाली भी दूं? हाँ, मेरे लिए भी एक स्मॉल बना देना, तब तक मैं सुसु करके आता हूँ। क्या खुशबू है, ले पीना। एक बार कहा ना मैं नहीं पीऊंगा। क्या कितनी पार्शियलिटी करते हो, मैं बूंद बूंद के लिए तरस रहा हूँ, मैं मांग रहा हूँ तो दे नहीं रहे हो, और उसे नहीं पीनी है लेकिन फिर भी आप जबरदस्ती कर रहे हो। इसके लिए दारू नहीं है, इसके लिए दवा है, दवा। इसे पीने के बाद इसके सामने यमराज भी आ जाए ना, तब ये उसकी भी नहीं सुनेगा। ये हुई ना बात मेरे शेर। चल चल चल, पीजा पीजा, रुक मत, पीजा पीजा, कुछ मत सोच। एक बूंद अंदर जाएगी पूरी बोतल घुस जाएगी। मेरी अमृत की बोतल, ये क्या किया तुमने? बोतल तोड़ के अनर्थ कर दिया, ऊपर से ना इसका इंटरनेट चल रहा है ना टीवी चल रहा है, पता नहीं भूत सामने आएंगे तो क्या होगा। राजा भाई, हाँ? एक मिनट यहाँ आइए। ये क्यों, रस्सा कैसे खेलना है क्या? वो क्या है कि मेरे हाथ मेरे कंट्रोल में नहीं है। हाँ? पीने के लिए आगे बढ़ते हैं, इसलिए मुझे आप इस कुर्सी से बांध दीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, आप मुझे मत खोलिएगा। मैं कुछ भी कहूं या भगवान भी आकर आपके सामने आ जाए तो भी आप रस्सी मत खोलिएगा, बांधिए। अच्छा, ये बात है। ये रस्सी सुबह तक नहीं खुलनी चाहिए। बिल्कुल नहीं खुलेगी, चाहे शेर आ जाए। नहीं खुलेगी रे, चाहे सांप आ जाए। बोला ना एक बार नहीं खुलेगी। भूत ही क्यों ना आ जाए। अबे कितनी बार बोलूं नहीं खुलेगी, चाहे मैं कितना भी चिल्लाऊं तो भी मत खोलना। फिर भी नहीं खोलूंगा, कभी नहीं खोलूंगा। राजू मेरी बात तो सुन, मैं क्या। नो यू स्पीक नो मेडल, एक बार कमिटमेंट कर दी नहीं खोलूंगा। मेरे साथ एक ड्रिंक शेयर कर ले प्लीज। रस्सी खोल दे, खोल दे, खोल दे। नहीं, मैं कभी शेयर नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। ए, बोला ना रस्सी खोल। ए, 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 तेरी माँ मेरी चाची लगती है क्या, जो तेरा ऑर्डर मैं सुनता रहूं? ना ही मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ और ना ही मैं तेरी बीवी हूँ जो 24 घंटा रौब झाड़ता फिरता है। पुत्र शास्त्र डबल गेम खेलता है। अगर मेरे जज्बातों से खेलेगा तो तू ऊपर पहुँच जाएगा। सुबह होते ही राम नाम करता है, जैसे ही रात होती है अमृत पीकर भूतों के साथ ताता थैया करता है। सही बोला, लेकिन जिस दिन असली भूत तेरे सामने होंगे तेरी फट जाएगी। अबे मुन्ना, आज अप्रैल फूल नहीं है जो तुम्हें फूल बना रहा है। अबे 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 भूत, तेरे पीछे भूत है। आओ चोटी, बाबा जी की बूटी। क्या हमारी शक्ल पे लिखा है क्या हम चंपू हैं? तेरे को लगा कि हमारे दिमाग में भूसा भरा है? तेरी अकल ठिकाने कैसे लानी है हमें पता है। अगर ज्यादा बोलेगा तो तेरी चोटी काट कर तेरे हाथ में रख देंगे। आओ मुन्ना। मुझे खोल दे भगवान के लिए, मुझे जाने दे, जाने दे। तूने शेर से पंगा लिया है बाल की दुकान। शेर को तूने फोटो में देखा होगा, टीवी में देखा होगा, ज्यादा से ज्यादा कहीं जू में टिकट लेकर देखा होगा, लेकिन मैं जू का शेर नहीं हूँ। जंगल में खुलेआम शिकार करने वाला शेर खड़ा है सामने, जिसके एक दहाड़ से सामने वाले का कलेजा फट जाता है। इस शेर का पंजा अगर पड़ता है तो इंसान गंजा हो जाता है। टकला बनेगा, आ जा। ए, मुझे खोल दे, मुझे जाने दे यहाँ से यार। अरे शांत, बेकार में डर मत। सुन राजू, सर
आप बोलते ही कुर्सी अपने आप आगे आ गई, ये जरूर भूत का काम है सर। अरे कोई भूत भूत नहीं है, ये सब तुम लोगों का वहम है। नहीं भूत है यहाँ पर, देख अपने आप कुर्सी आगे आ गई, देखना तू। अच्छा जांग पे मारने से कुर्सी आगे आ गई, तो फिर से मार के देखता हूँ क्या होता है। नहीं 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 नहीं, मत मार मार नहीं। क्या हुआ, कुर्सी हिली क्या, वहीं की वहीं पर है। सर जोर से जांग पर हाथ मारिए। अब हिले, जोर से मारता हूँ। क्या हो रहा है, अरे राजू भाई, अरे ऐसा मत करो, नीचे आ जाओ। राम जल्दी यहां से भाग के चल। ऊपर वाले बचा ले, बचा ले, मुझे चक्कर आ रहे, बचा ले, बचा ले, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता हूँ, चले ले मुझे। अरे ये इतना बड़ा सलिया क्यों लेके आया, ये नरी असलियों में घुस जाएगा तो मैं मर जाऊंगा। मर गया, 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 बचाओ। अरे 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 अरे, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, मर गया, मर गया, मैं मरना नहीं चाहता। तुम ठीक तो हो ना, आराम से। तुम माँ को लेकर यहाँ पर क्यों आ गई? माँ तुमसे मिलने की बहुत जिद कर रही थी, मैं क्या करती, इसीलिए उन्हें यहाँ लेके आई। सर यहाँ भूत है, चलिए चलिए जल्दी चलिए। भाग्यवान माँ, माँ उनके पास मत जाना, वो भूत है माँ, वो तुम्हें मार देंगे, माँ रुको, माँ माँ मेरी ये सब क्या हो रहा है माँ? कोई दादी कह रही है, कोई शांति कह रहा है, कोई माँ कह रही है, ये सब कौन है माँ? आरती लीजिए। पापा मुझे एक बिजनेस प्रपोजल मिला है। हाँ। उसके लिए मुझे दुबई जाना होगा माँ, मेरा हाँ? दोस्त मुझे वर्किंग पार्टनर बना रहा है, मुझे बहुत फायदा होगा, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, सिर्फ एक साल की बात है, बाद में सब सेट हो जाएगा। यहाँ के बच्चों के विदेश जाने पर हमारे देश के कई सारे घर वृद्धाश्रम बन चुके हैं बेटा, तुम पढ़े लिखे काबिल इंसान हो, यहीं पर कुछ शुरू कर सकते हो ना, हमारी आंखों के सामने तो रहोगे। माँ तुम ही कहो ना माँ, ये मेरे भविष्य का सवाल है पापा, बोलो ना माँ। एक साल की तो बात है, वापस आ जाएगा। हाँ। जैसी तुम्हारी मर्जी, जीते रहो, आशीर्वाद, खुश रहो। समय दि दूराद है गली गे है गलागो, वयसली बेराद। इन्हें क्या हुआ है? इन्हें अमनेशिया हुआ है, भूलने की बीमारी, अचानक से सब कुछ भूल जाती है। हा? हा? इनका ख्याल रखिएगा जी। ठीक है डॉक्टर साहब। Oh,
बिजनेस में लॉस होने की वजह से मैं बहुत बड़े कर्जे में आ गया हूँ। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो इतने सालों में कमाई हुई इज्जत नाम सब मिट्टी में मिल जाएगा पापा। इसमें मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? अगर ये घर बेच देंगे तो। क्या ये घर बेचने के लिए कह रहे हो? यहाँ हमारे दादा परदादा सदियों से हमारा परिवार यहाँ रहता आया है बेटा। अच्छा एक बात बता, ये घर बेचकर हम सब कहाँ जाएंगे? मैं आपको और माँ को दुबई ले जाऊंगा पापा। हम दोनों तो आ जाएंगे बेटा, पर इन बेचारों का क्या होगा? अरे जब आपका सगा बेटा आपके साथ है तो इन अनाथों का क्या काम? इन्हें जहां से लेकर आए वहीं छोड़ दीजिए ना। अनाथ ये लोग नहीं है बेटा, एक जवान बेटे के होते हुए लावारिसों की तरह हम जो जी रहे हैं ना, हम अनाथ हैं। तेरी माँ को जब अमनीसिया हुआ और वो बार बार सब भूल जाती थी, तब इसका ख्याल रखने की ताकत हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी। तब हमारे इस संकट के समय में संकट मोचक बनकर आने वाले यही लोग हैं। ये घर मैं नहीं बेचूंगा, इस घर के असली हकदार ये लोग हैं। श्रवण रुक जा बेटा। शांति, जाने दो इसे। सुनिए तो, ये यहां आया था सिर्फ पैसों के लिए, पैसे नहीं मिल रहे हैं ये पता चला तो जा रहा है। जाने दो इसे, रोक क्यों रही हो? बेटा श्रवण। शांति, अपने पति और घर से ज्यादा तुम्हें अपना बेटा प्यारा है तो जाओ, उसी के साथ चली जाओ। बेटा, उस रात को हम सो गए इतना ही पता है, उसके बाद क्या हुआ, हम कैसे मरे, हमें कुछ भी नहीं पता। तकलीफ के सामने हमारी तकलीफ तो कुछ नहीं। भगवान, आप जैसी किस्मत किसी की भी ना लिखे। उस राक्षस तरिंदे श्रवण को तो सजा मिलनी ही चाहिए, तभी इनकी आत्माओं को शांति मिलेगी। ये सही कह रहे हैं, श्रवण को बुला लीजिए। हेलो श्रवण सर। आज मैं जब पेंडिंग केसेस चेक कर रहा था तब मुझे ये फाइल मिली। यह रघुपति की दी हुई मिसिंग कंप्लेंट है। रघुपति से पूछताछ करने पर मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ उसके घर के बाहर उसे बेहोश पड़ी मिली। जब उन्हें होश आया तो उन्हें पिछला कुछ भी याद नहीं था। उनके घर वाले जब तक नहीं मिलते उन्हें हमारे घर में ही रहने दीजिए, ऐसा कहकर रघुपति उन्हें अपने साथ ले गया। ये फाइल पढ़ने के बाद ही पता चला कि तुम कितने बड़े कमीने हो। मैंने अपनी सर्विस में कई विलन्स देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा नौटंकी विलन कभी नहीं देखा। मैं भी पुलिस की वर्दी में छुपा हुआ एक विलन ही हूं। ये एक रुपया ले और तेरी सारी जायदाद मेरे नाम करके वापस दुबई लौट जा, वरना सारी जिंदगी जेल में सड़ता रह जाएगा। Oh!
वरना काट डालूंगा समझा। शान पट्टी नहीं, मेरे धंधे में टांगड़ आता है तुझे तुम्हें। अरे छोड़ दो इसे, छोड़ दो, ये ले रखो, ये लो, इसमें पैसे हैं, जितने तुमने मांगे थे ना उतने ही, मजे कर। हाँ शुक्र है मेरी माँ मुझे मिल गई। कहाँ है माँ? माँ इतने दिनों से कहाँ थी आप? मैंने आपको बहुत मिस किया, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। पापा कहाँ है माँ? ऊपर के कमरे में। रुकिए मैं अभी आता हूँ। माँ यहाँ कब पहुंची रघु? आपको फोन करने से आधे घंटे पहले ही आई थी। ओ तब तक तुम लोग क्या यहाँ भजन कर रहे थे, मंजीरे बजा रहे थे? कि मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? शेखर इन सबको खत्म कर दो। नहीं 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 ऐसा मत करो, नहीं नहीं मेरी माँ को मत मारो, मत मारो, मत मारो प्लीज। हो क्या है? मैं अपनी इकलौती बीवी का इकलौता हूँ। उसने तो अपने माता पिता को भगवान का दर्जा देकर उन्हें अपने कंधों पर उठाकर तीर्थ यात्रा करवाई और इस धरती पर एक आदर्श व्यक्ति कहलाया। मैंने तेरा नाम भी श्रवण कुमार रखा, तूने उस पावन नाम को कलंकित कर दिया। बेचारी लड़की, क्या गुनाह किया था उसने? और शशि, उसने क्या बिगाड़ा था तेरा? वो नन्ही मासूम बच्ची, उसने तो जिंदगी जी भी नहीं थी, उसे जिंदगी क्या है पता भी नहीं था, तूने उसे भी बेरहमी से मार दिया। और मैं तेरा बाप हूं, तुझे जन्म देकर जो मैंने गलती की है उसके लिए मैं तुझे माफ भी कर सकता था, लेकिन इनके पास तो पूरी जिंदगी पड़ी थी, देखो ये किन हालातों का सामना कर रहे हैं। तुझे क्षमा करने के लिए किस मुंह से कहूं इन्हें? Huh?